हेलो आर्ट लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कलाकार वंदना। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मेथड ऑफ शेडिंग, शेडिंग टेक्निक्स। बट अभी हमने ये जानना है कि हम लाइट एंड डार्क शेड इफेक्ट किस तरह से ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हुए दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइट सोर्स यहाँ कर लेते हैं ड्रॉ। ओके, ये हमारा लाइट सोर्स हो गया। देखिए मेरे हैंड को, देखिए लाइट इफेक्ट यहाँ से लाइट आ रही है इस पोर्शन से, है ना, और शेडो कहाँ है, यहाँ बिल्कुल कंप्लीट लाइट यहाँ पड़ रही है। तो ऐसे ही फर्स्ट नंबर पर पहले हम सीख लेते हैं की लाइट के बारे में। व्हाट इज की लाइट? लाइट की काफ़ी सारे टाइप्स हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर है की लाइट। अब देखिए की लाइट है क्या? की लाइट हम बोलते हैं मेन लाइट को, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर मेन लाइट पड़ती है, जो मेन लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उसे हम बोलते हैं की लाइट। जैसे देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट पड़ रही है ना, तो यहाँ से जो लाइट पड़ेगी ये एरिया बिल्कुल कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर रहा है, बिल्कुल हाईलाइट कर रहा है ना। तो जहाँ भी लाइट हाईलाइट करेगी मेन पोर्शन, वहाँ जो लाइट पड़ती है उसे हम बोलते हैं की लाइट। अब सेकंड नंबर पर जो हमारी आएगी, चलिए बढ़ते हैं सेकंड टाइप की ओर। सेकंड टाइप पर है फिल लाइट। अब ये फिल लाइट क्या है? ये देखिए यहां हमारी की लाइट पड़ रही है, ठीक है, बट इस पोर्शन पर यहां यहां क्या होगा, लाइट थोड़ी डिम हो जाएगी, यहां डेप्थ नजर आएगी। क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट तो यहां कर रही है, बट ऑब्जेक्ट भी हमारा सेम है और जो इसका मटेरियल है वो भी सेम है, बट फिर भी हम अगर इसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ लाइट इफेक्ट दिखाएंगे, यहाँ डार्क क्यों दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ की लाइट आ रही है और यहाँ जो लाइट पड़ रही है वो है फिल लाइट, ठीक है। फिल लाइट हो गई मेन लाइट से, जो सेकंड नंबर पर आएगी उसे हम कहेंगे फिल लाइट, जो हमें नीचे यहाँ इस एरिया में दिखाई देगी। इसे हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। ओके, ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। अब मान लीजिए ये लाइट इस पर यहाँ से पड़ रही है, ठीक है, तो हम इसे सर्कल है ना, तो जो इस पर शेडो होगी ना वो भी इसी टाइप से इस पर पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। अब ये हो गया हाईलाइट वाला पोर्शन, ओके, जो एक चमक सी क्रिएट करता है, बिल्कुल डायरेक्ट लाइट जहाँ पड़ती है वहाँ वाला एरिया क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है। अब इसके बाद देखो ये है ना, यहाँ तक अब हम क्या करेंगे, जो इसके बाद डार्क हो रहा है ना, देखो ये वाला एरिया ये है फिल लाइट का एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट आई बिल्कुल, यहाँ वाला एरिया हाईलाइट हो गया। इसके बाद अब कौन सी लाइट पड़ रही है? यहाँ आ रही है फिल लाइट, ओके। अभी हम इसे ही कंप्लीट करेंगे, इसके साथ साथ हम सीखते हैं बाकी टाइप्स। देखिए इस पे क्या है, डायरेक्ट लाइट यहाँ पड़ रही है, बट इसके धीरे नीचे जाते हुए क्या होगा, यहाँ वाला एरिया जो है वो डार्क हो जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ हमारा लाइट का सोर्स है इस साइड,
तो क्या होगा, लाइट इस पर पड़ रही है, ये एरिया हमें कंप्लीट हाईलाइट बिल्कुल चमक से दिखाई देगा, बट जो इस पार्ट का एरिया है, ठीक है, यहाँ वाला एरिया जो है उसका क्या होगा, यहाँ तो डार्कनेस दिखाई देगी क्योंकि लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके बाद ये वाला एरिया जो है वो डेप्थ में चला जाता है, यहीं से हमें पता चलता है डेप्थ का, और हम वो एरिया करते हैं डार्क। ओके, अब थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर पर आएगी रिम लाइट। अब ये रिम लाइट क्या है, हम एक बार इस पे दिखा देते हैं अपनी शेड कंप्लीट। जो कौन सी शेड थी, ये है हमारी फिल लाइट। जो ऊपर वाली पोर्शन से होता है डार्क, डार्क होता है ना, बट हमें देखो इस तरह से इसे छोड़ना नहीं होता, हमें थोड़ा सा इसे इसमें मर्ज करना होता है, ठीक है। वो जब हम स्टिल लाइफ करेंगे या ऑब्जेक्ट ड्राइंग करेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये हो गया। इसके बाद हम बात कर रहे थे रिम लाइट की। अब रिम लाइट क्या है, उसके लिए पहले हम यहाँ इसका क्रिएट करेंगे सरफेस, ठीक है। ये यहाँ इस सरफेस पर है। अब क्या है, यहाँ हम वॉल क्रिएट करते हैं, ठीक है, वॉल इफेक्ट दे देते हैं एक बार। वॉल का जो टेक्सचर है यहाँ बिल्कुल डार्क आएगा, एरिया वॉल वाला उसे हम बिल्कुल डार्क करेंगे, क्योंकि सरफेस के बाद का एरिया है ना, वॉल वाला जो एरिया है हम उसे करेंगे डार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद वॉल है ना, तो यहाँ भी वो डार्क होगी क्योंकि डायरेक्ट लाइट उस पर नहीं पड़ रही। अब देखिए, क्या आपको इसमें पता चल रहा है कहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट है, कहाँ वॉल स्टार्ट है? नहीं ना, आपको इसमें डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। इसके लिए ही हम क्या करते हैं, यहाँ ही यूज़ होता है रिम लाइट का, जो ऑब्जेक्ट और सरफेस या बैकग्राउंड को डिफर करती है। उसके लिए मैं यहाँ इरेजर का यूज़ कर रही हूँ। देखो, अब इस ऑब्जेक्ट को, इस सर्कल को यहाँ से रिम लाइट ने डिफर किया है, ओके, यही है रिम लाइट। पहले ये बिल्कुल डार्क था, ये पोर्शन भी डार्क था और वॉल भी हमारी डार्क थी, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कहाँ से हमारी वॉल स्टार्ट हो रही है। बट जब हमने यहाँ रिम लाइट क्रिएट की तो उससे हमें पता चला कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट है। तो इसके लिए क्या है, ये रिम लाइट हम यहाँ भी हल्की सी रखेंगे ताकि वो जो सरफेस है, ठीक है, जो हमारा सरफेस है उससे ऑब्जेक्ट को अलग कर पाए। तो यहाँ हमने ये थोड़ा सा यहाँ दे दी है इसमें रिम लाइट। अब फोर्थ नंबर पर आएगी हमारी बाउंस लाइट। अब ये बाउंस लाइट क्या है, देखो, जहाँ भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखने के बाद क्या होता है, यहाँ लाइट बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही है तो यहाँ वाला एरिया हाईलाइट हो गया, बट ऑब्जेक्ट से सीधा यहाँ भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ फिनिश हो चुका है, यहाँ भी उसके बाद लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, तो लाइट रिफ्लेक्ट जब यहाँ करेगी वो यहाँ बाउंस होके पड़ेगी हमारे ऑब्जेक्ट पर,
यहां लाइट ने बाउंस किया और बाउंस करके लाइट पड़ी ऑब्जेक्ट पर, तो यहां भी आ जाएगा लाइट इफेक्ट। इस चीज का ही हमें ध्यान रखना है। तो यहां जो लाइट पड़ेगी उसे हम बोलेंगे बाउंस लाइट, और उसके बाद हो जाएगी हमारी शेडो। ठीक है, हमारी शेडो क्रिएट होगी उसके बाद। ये सारा हमारा हो गया बाउंस लाइट तक। अब हम करते हैं इसके बाद, फिफ्थ नंबर पर है हमारी कॉन्टैक्ट शेडो। अब ये कॉन्टैक्ट शेडो क्या है? देखिए, अगर किसी भी चीज पर हम कुछ रखते हैं ना, ये देखिए यहाँ दबाव आ रहा है, यहाँ इसे रखने से क्या हुआ कि यहाँ इस पर दबाव पड़ा, और दबाव पड़ने से वहां का एरिया डार्क हो गया, डार्क लाइन वहां आ गई। इसे हम यहाँ हैंड पर देखते हैं, देखिए ये मैंने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ना डार्क लाइन क्रिएट हुई, जिससे हमें पता चला कि ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है। उसी तरीके से हमें ये लाइन थोड़ी डार्क करनी होगी, जिससे हमें पता चले कि यहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट के बाद हमारी हो जाएगी शेडो क्रिएट। अब देखो यहां तो डेप्थ आएगी, है ना, बिल्कुल उसके नीचे है शेडो, ये वाली शेड बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नीचे है, तो ये डार्क एरिया होगा हमारा। और धीरे धीरे जाते जाते क्या होगा, ये शेडो भी होती जाएगी लाइट। समझ आया आपको? और यहां जो हमारी रिम लाइट थी उसे हम थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं, ताकि वो सरफेस से अलग हो जाए। देखिए, इस तरह से हमने अपनी सभी टाइप्स ऑफ लाइट का यूज करना है, और हमें दिखाना है एरिया को डार्क और लाइट। अब देखिए, मैं जो ये कर रही हूँ ना, मैं अभी कर रही हूँ एक ही पेंसिल से, मैंने नॉर्मल पेंसिल 2B पेंसिल ही ली हुई है, अभी मैं उसी से कंप्लीट कर रही हूँ इसे। बट जब हम कंप्लीटली ऑब्जेक्ट्स बनाकर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तब हम अलग अलग शेडिंग पेंसिल्स का यूज करेंगे। अब आपको समझ आया? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे शेडो के बारे में। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मिलती रहे मेरी यूज़फुल वीडियोज़।